Hi everyone, I am Deepankar and welcome back to my channel. So art competition special ये second tutorial है. First tutorial में मैं पूरा जो outline drawing था वो दिखाया था. तो आज के tutorial में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इतने दूर तक आप लोग shading कैसे कर पाओगे. देख ही सकते हो कि पूरा जो drawing है उसका जो बड़ा वाला portrait है वो मैंने shading कर लिया है. तो वही आप लोग कैसे करोगे वही मैं आज के वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ. तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान मैं पूरा जो आर्ट टेक्निक है, शेडिंग टेक्निक है, वो अच्छे से समझाने वाला हूँ. सो हाँ, वीडियो के एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और खुद से जरूर शेडिंग शुरू कर देना. सो चलो शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पूरा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गया है. प्रीवियस ट्यूटोरियल में ही मैंने किया था. तो अब मैं जो शेडिंग है वो शुरू करूँगा. तो रियलिस्टिक शेडिंग के लिए मैं जो टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ उसमें सबसे पहले जो पूरा रेफरेंस फोटो है उसमें जो सबसे डार्केस्ट एरिया है उससे हम लोगों को शेडिंग स्टार्ट करना है. सो यहाँ पर जो बड़ा वाला पोर्ट्रेट है उसमें सबसे डार्केस्ट एरिया कौन सा है, जो ग्लासेस है, मतलब जो चश्मा है वो. सो मैं उसी एरिया से शेडिंग को यहाँ पर शुरू करूँगा. तो शेडिंग के लिए क्योंकि सबसे डार्केस्ट एरिया है तो यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा. और जो पेंसिल है उसे देखो, एकदम प्रॉपरली शार्प है. सो जब आप लोग शेडिंग कर रहे हो तब क्या करो, जो शेडिंग का टेक्सचर है उसमें जो पेज का टेक्सचर है उसको बराबर रख के शेड करो. मतलब इतना ज़्यादा आप लोग प्रेशर डाल के शेड नहीं करना है. प्रेशर डालने से क्या होता है, जो पेज का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है और पूरा ऐसा फीका फीका दिखने को लगता है. तो अगर आप लोग पेज का टेक्सचर पूरा ड्राइंग में एक ही तरीके का रखना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मत डालते हुए पूरा जो शेडिंग है वो करना है. तो यहाँ पर जो चश्मा है उसका जो सामने का पोर्शन है उसमें थोड़ा ग्रेइश टोन है. तो इसके लिए मैं एक प्रेशर का इस्तेमाल किया यहाँ पर. और जो साइड का पोर्शन है वो थोड़ा डार्क है, मतलब ब्लैकिश ही है. तो इसमें मैं थोड़ा अलग प्रेशर का और अलग पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा. तो ऐसे आप लोगों को एक ही चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को समझना है और वो बनाना है. पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो टेक्सचर है वो सेम टाइप का रहे. मतलब आप लोग ज़्यादा प्रेशर डाल के किसी को एरिया को एकदम ऐसे ही फ्लैट कर दे रहे हो और किसी एरिया पे बहुत टेक्सचर समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करने का है. पूरा ड्राइंग में टेक्सचर को सेम रखने का है. और वैल्यूज़ को देने के समय दूसरा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो हाइलाइट्स है. तो यहाँ पर जो चश्मा है वो नॉर्मली मेटल का या फिर प्लास्टिक का है. तो उसमें जो हाइलाइट्स है वो बहुत ही प्रॉपरली बनता है. तो यहाँ पर देखो मैं एकदम वाइट वाइट एरिया कुछ कुछ एरियाज़ में छोड़ दे रहा हूँ, तो वो है हाइलाइट्स. तो ये हाइलाइट्स डालने से देखो पूरा जो शेप है चश्मे का वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है. यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो पूरा जो स्पेक्स है, मतलब पूरा जो चश्मा है, वो आप लोग को ब्लैक ही दिखेगा. पर नहीं, यहाँ पर भी ब्लैक में भी डिफरेंट डिफरेंट टोन्स है. लेफ्ट साइड में थोड़ा जहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं गिर रहा है वहाँ पर ज़्यादा डार्क है. और जो सामने का हिस्सा है चश्मा वो थोड़ा ग्रेइश टोन का है. अंदर का एरिया जो है जहाँ पर स्किन को टच कर रहा है वहाँ पर भी थोड़ा ब्लैकिश टोन है, मतलब ब्लैक है, ज़्यादा डार्क है. तो ये सब करने से क्या होता है, एक ही चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को आप लोग दिखा सकते हो और उससे जो 3D-ness है किसी भी फोटो का वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है. सो पूरा जो चश्मा है वो तो कम्प्लीट हो गया है. अब मैं जो आँख है उसको शेड्स कर दूँगा. तो यहाँ पर आँखों में जब मैं शेड्स दे रहा हूँ सेम वही 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ. पर देखो एकदम एक ही बारी में मैं पूरा जो डार्कनेस है वो नहीं ला रहा हूँ, एक ऐसा ग्रे स्टोन दिया है. यहाँ पर रेफरेंस फोटो में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा और भी ज़्यादा डार्क है. वो क्या करूँगा, मैं सेकेंड लेयर में, मतलब लेयर्स में मैं यहाँ पर शेड्स दे रहा हूँ. एक लेयर में देने से वो ही जो पेज का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाने के चांसेस रहता है. तो मैं लेयर्स में जब दूंगा तो पेज का टेक्सचर भी ठीक रहेगा और जो डार्कनेस है वो भी प्रॉपरली मैं ला पाऊँगा. तो यहाँ पर देखो वही सेम वही पेंसिल से मैं कर रहा हूँ पर अब लेयर्स दे रहा हूँ. यहाँ पर जो शेडो है पूरा जो चश्मे का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपके ड्राइंग में शेडो और हाइलाइट्स नहीं होगा तो आपका ड्राइंग बहुत ही फीका फीका फ्लैट दिखेगा. तो हाइलाइट्स भी देना है और उसके साथ साथ जो शेडो है उसका जो डार्कनेस है वो ही प्रॉपरली आना है. सो अब मैं यहाँ पर जो स्किन टेक्सचर है वो कर रहा हूँ. स्किन टेक्सचर के समय आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादातर तो स्किन टेक्सचर 8B और 2B पेंसिल से ही हो जाता है और कुछ कुछ शेडोज़ को आप लोग 4B से दिखा सकते हो. पर हाँ, जब आप लोग शेडिंग दे रहे हो तो स्किन का जो एंगल्स है उसको समझते हुए उसी एंगल में शेड्स देना है. यहाँ पर जो नाक का पोर्शन है जिसमें
धीरे से नीचे की तरफ ऐसे चलाया है, तो उस एरिया को अच्छे से देखो, उसमें मैं शेडिंग भी उसी एंगल में दिया है यहाँ पर। उसके साथ साथ आँखों का ऊपर का जो स्किन का एरिया है उसमें देखो एक ऐसे ओवल टाइप का मैंने शेड दिया है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में स्किन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आप लोगों को शेड्स देना है। उससे क्या होगा, फेस का जो प्रॉपर शेप है, मतलब किस एरिया से किस तरफ ऐसे कर्व हो गया है फेस, वो आप लोग अच्छे से समझा पाओगे। अब देखो यहाँ पर जो फोरहेड का पोर्शन है उसमें देखो एकदम मैंने वर्टिकल स्टाइल में ही शेड दिया है पूरा एरिया में, वही 2B या फिर HB पेंसिल से कर लो आप लोग। पर जो शेड्स है वो बहुत ही घना होना चाहिए, एक एक लाइन बहुत ही घना होना चाहिए, और आप लोग ना ऐसे ब्लेंड करके या ऐसे घिस के शेड्स मत दो। हैचिस टेक्निक में अलग अलग शेड्स देकर करो तो उससे ना एक अलग सा आर्टिस्टिक लुक आता है। तो अगर आप लोग मेरा ट्यूटोरियल फॉलो ही कर रहे हो तो मेरा जो टेक्निक्स है वो भी थोड़ा सीख लो, देख लो। ऊपर के एरिया में भी देखो वैसे ही मैंने एक शेडिंग वाला टेक्सचर रखा है, इसे हैचिंग टेक्निक बोलता है। तो उसमें आप लोगों को जो शेप है मतलब एंगल्स को समझना है, और जो हैचेस है वो बहुत ही पैरेलली मतलब एक के साथ दूसरा शेड एकदम पैरेलली होना चाहिए, पैरेलली देना है। और जो शेड का प्रेशर है वो भी सेम टाइप का रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन बहुत ही डार्क हो गया है दूसरा लाइन बहुत ही हल्का हो गया, ऐसा नहीं, ऐसे ग्रेडियंट में धीरे धीरे हल्का होना चाहिए या फिर धीरे धीरे डार्क होना चाहिए। तो ये आप लोगों को दिखाना है। तो जो देखो जो पूरा वाइट वाइट पोर्शन था उसे मैंने एकदम ही फ्लैट वाइट नहीं रखा है, थोड़ा ऐसे ग्रे टोन दे दिया, क्योंकि अगर आप लोग उस एरिया को वाइट ही छोड़ दोगे तो हाइलाइट्स को कैसे दिखाओगे। हाइलाइट्स को आप लोगों को एकदम प्योर वाइट बनाना है, तो ताकि जो हाइलाइट्स है वो एकदम प्योर वाइट दिखे, तो जो उसका पास वाला वाइट एरिया है उसे थोड़ा ग्रेइश बना दो, तो इससे हाइलाइट्स को और भी ज़्यादा अच्छे से दिखा पाओगे। अब ये नाक का जो पोर्शन है उसे अच्छे से देखो, कितना अच्छे से आप लोग शेडिंग देके, सिर्फ हैचेस वाला शेडिंग देके किसी भी एरिया को बहुत ही शाइनी और बहुत ही टेक्सचरी बना सकते हो, वो अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे। देखो मैंने जो नाक का ऐसे लेफ्ट साइड है उसमें लेफ्ट एंगल में शेड दिया, जो नीचे का पोर्शन है उसे नीचे के एंगल में शेड दिया, ऐसे एंगल को चेंज करते करते धीरे धीरे मैं पूरा जो नाक का पोर्शन है उसमें जो डार्कर एरियाज है उसे डार्क कर रहा हूँ, जो हाईलाइटेड एरिया है उसे इरेज करके हाइलाइट्स कर रहा हूँ। इससे डिफरेंट डिफरेंट एंगल में शेड्स देने से क्या होता है, जो शाइनीनेस है मतलब टेक्सचर है वो अच्छे से निखर के आता है। तो स्किन का टेक्सचर, स्किन तो एकदम प्लेन नहीं होता, एकदम ब्लेंडेड नहीं रहता है, तो थोड़ा टेक्सचर रहता है, थोड़ा खुरदुरा रहता है, तो वो अगर आप लोग अच्छे से समझाना चाहते हो तो पेंसिल का जो टेक्सचर है शेड्स है उसे आप लोगों को रहने देना है, ऐसे ब्लेंड नहीं कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो स्किन का वैल्यूज़ है मतलब धीरे धीरे डार्क हो रहा है या फिर धीरे धीरे लाइट हो रहा है वो बहुत ही अच्छे से दिखा पाओगे आप लोग। सो अब यहाँ पर जो स्माइल का पोर्शन है और जो बियर्ड का पोर्शन है वो मैं यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर पहले ही एक बात बता दूँ कि जो दांत का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर करना, क्योंकि वहीं पर ही ज़्यादातर ड्राइंग में गलतियाँ हो जाएगा। आप लोग ज़्यादातर क्या कर दोगे कि एक एक दांत के बीच का जो डिफरेंशिएटिंग लाइन है उस लाइन को आप लोग ज़्यादा डार्क कर दोगे, दोनों दांत का बीच का जो डिफरेंस है उसमें ज़्यादा डीप ऐसे लाइंस क्रिएट हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। आप लोगों को हल्के से दिखाना है और दांत को ऐसे फ्लैट वाइट नहीं छोड़ देना है। यहाँ पर मेरा ड्राइंग को देखो, दांत में भी एक ऐसा ग्रेइश टेक्सचर है और उसमें थोड़ा थोड़ा एरियाज में हाइलाइट्स है, और ऊपर में जो गम का पोर्शन है उसमें से धीरे से ऐसे निकल के एक लाइन होके मिक्स हो गया है दांतों के बीच में, कोई एकदम प्रोमिनेंट लाइन नहीं है जो ऊपर से नीचे तक दांत को जॉइन कर रहा है, तो ये इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो दाढ़ी है वो, तो यहाँ पर आप लोग दोनों काम कर सकते हो, एक एकदम फ्लैट शेड दे दो और उसके बाद मिटा मिटा कर जो वाइट बियर्ड है वो उसको बियर्ड है उसे निकाल के लाओ। दूसरा, आप लोग जब शेडिंग दे रहे हो तभी ऐसे ड्रॉ करके छोटे छोटे जो व्हाइट हेयर्स है उसे छोड़ दो और बाकी जो ब्लैक हेयर्स है उसे करो। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को बिना मीठा कर ही आप लोग जो व्हाइट हेयर्स है उसे दिखा पाओगे। थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दे रहा हूँ कुछ कुछ एरियाज को, तो वैसे ही करना है। देखो ये फर्स्ट स्टोन है, फर्स्ट स्टोन में मैंने ग्रे स्टोन रखा, सीधी पेंसिल से कर रहा हूँ, और ग्रे स्टोन रख के वो वाइट वाइट एरियाज को छोड़ दिया मैं यहाँ पर। तो ये कर लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा ऐसे एक जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होता है मेकअप ब्रश, उससे एक थोड़ा ब्लेंड कर दूंगा, एक टोन दे दूंगा, और फिर ये देखो मैं कर रहा हूँ। तो ये कर लेने के बाद थोड़ा स्मूथ हो गया, तो स्मूथ हो जाने के बाद
अब मैं देखो जो रियल डार्कनेस है वो ला रहा हूँ, वही सेम सिग्री पेंसिल से ही जो ज़्यादा डार्क पोर्शंस है उसमें एक मैं दूसरा जो टोन है वो दे रहा हूँ, तो वो एरिया और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और जो हाइलाइटेड हेयर्स है वो थोड़ा और भी निखर के आएगा। तो ऐसे ही करना है, तो बियर्ड का पोर्शन हो जाने के बाद पूरा जो लेफ्ट का पोर्शन है उसमें एक नॉर्मल शेड दे दो, तो पूरा जो बड़ा वाला पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो बड़ा पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। अब क्या बाकी रहता है, बैकग्राउंड और सामने का जो कैरेक्टर है, सामने का जो फुल फिगर है वो। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा जो छोटा फिगर है और जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को शेयरिंग करके बताऊंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आप लोग अभी भी आउटलाइन ड्राइंग नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार, यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वैसे आउटलाइन ट्यूटोरियल देख लो, अनाउंसमेंट वाला वीडियो भी देख लो, पूरा जो आर्ट कॉम्पिटिशन का रूल्स है वो समझने के लिए। और हाँ, शेडिंग भी जरूर कर लेना क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। Peace.